नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं वंदन करती हूं। आप सभी दोस्त हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके इतना शेयर करते हो, क्योंकि हमें सिर्फ हमें ही स्वस्थ नहीं रहना है, हमें हमारे सराउंडर जितने भी हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, जितने फैमिली है, जितने रिश्तेदार है, जितने हमारे नेबर्स है, वो सभी को जागरूक करना है, तभी वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन बन जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोग को पहचानती हूँ, पूरी दुनिया को नहीं पहचानती हूँ, तो आपको हमारा सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर अच्छी लगती है, अगर आपको तबीयत में फ़र्क पड़ जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैक्सिमम ये वीडियो हमारी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो खाना पका के नहीं खाना है, जितना भी खाओ, जितनी भी बार खाओ, जब भी खाओ, तो हमें प्राकृतिक आहार खाना है। तो अभी फेस्टिवल्स का डेज चल रहा है, मतलब कि अभी रक्षाबंधन आने वाली है, तो रक्षाबंधन में भाई जो होता है वो बहन को गिफ्ट देता है और बहन जो है वो राखी देती है। तो ये जो सिस्टम होती है उसमें हमें गिफ्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बार ऐसा होता है कि किसी की बर्थडे आती है तो हमें ऐसा होता है कि इसको क्या गिफ्ट दे, या किसी की शादी ब्याह में जाना होता है तो हमें ऐसा होता है कि हमें क्या गिफ्ट दे, या बहन राखी बांधेगी तो हर बार हम उनको 500-1000 रुपया दे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को गिफ्ट दे तो सरप्राइज़ में जो मज़ा है वो बहुत ही अलग होता है। तो बहन भी इंतज़ार करती है कि भाई क्या राखी पे हमें गिफ्ट देगा। तो अगर आपने न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट की है तो इस साल से सबसे अच्छी गिफ्ट जो भाई को देनी हो, या भाई को बहन को देनी हो, या अपने पेरेंट्स को देनी हो, फ्रेंड्स को देनी हो, किसी को भी देनी हो, तो सबसे अच्छी गिफ्ट है वो एनिमा पॉट है। क्योंकि जिसके पास एनिमा पॉट होगा, जिसके घर एनिमा पॉट होगा, उसके यहाँ पे कभी भी 108 की एम्बुलेंस इमरजेंसी में बुलानी नहीं पड़ेगी, और कभी भी हॉस्पिटल्स के धक्के नहीं होंगे, कभी भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर या कभी भी रिपोर्ट करवाने नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई की तबीयत अच्छी रहे, पेरेंट्स की तबीयत अच्छी रहे, बहन की तबीयत अच्छी रहे, किसी की शादी पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उनको भी कुछ गिफ्ट दे, तो सबसे अच्छी जो गिफ्ट है वो एनिमा पॉट है। क्योंकि एनिमा पॉट से सभी के सभी बीमारियां दूर हो जाती है, बीमार शरीर होता है वो स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, क्योंकि एनिमा से क्लीनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि वीकनेस आ जाती है, और हमारे शरीर में जितनी भी विशुद्धियाँ होती है तो सभी की सभी बाहर निकल जाती है। तो एनिमा है वो सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो इस साल अपनी बहन को एनिमा पॉट दीजिए, और अगर बहन हो तो भाई को भी एनिमा पॉट दे सकते हो गिफ्ट में। और इससे भी आगे बढ़ के हमारी हिंदी की बुक्स का सेट है, गुजराती की बुक्स का सेट है, और हिंदी और इंग्लिश की बुक का सेट है। NDS की थेरापी क्या है वो पूरी जानकारी है, और उसके साथ साथ रेसिपी क्या खानी है वो सब, उसकी रेसिपी में क्या क्या खा सकते हैं, बना सकते हैं, उसका भी सेट है। तो अगर किसी को गिफ्ट में देना हो तो आप बुक्स भी दे सकते हो, चाहे वो इंसान आज पढ़े या 5 साल के बाद या 5 महीने के बाद, तो उसको ज़रूर से फ़ायदा होगा। पूरी बुक्स में से सिर्फ एक पेज कोई पढ़ेगा तो भी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो गिफ्ट में अगर किसी को देना हो तो बुक्स का NDS का सेट आप दे सकते हो। तीनों लैंग्वेज में बुक का सेट हम रखते हैं। आप हमें ये मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लिख सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज में बुक चाहिए। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955, और मेरा फ़ोन करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक का, तो हमें फ़ोन भी कर सकते हो। तो अभी फेस्टिवल जो आता है तो हमारे घर भाई राखी बंधवाने आएगा और बहन उसको कुछ मिठाई खिलाती है,
तो अगर आप पूरा डिश भर के उनको खाना खिलाना हो तो हमारी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि रो इडली है, रो मंचूरियन है, रो टिक्की है, कटलेस है, गुलाब जामुन है, ऐसी बहुत सारी 50-100 वानगियाँ हमने बनाई है जो रो वेगन डाइट फूड से हमने बनाई है, जिससे बीमारियां भी चली जाती है और शरीर भी खाने के बाद भी तंदुरुस्त रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वैरायटी फूड कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या खा सकते हो, वो सब मैंने बताया है। तो आज मैं कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ, तो वो है हमारी गुजराती डिश। मैं गुजराती हूँ लेकिन पूरे वर्ल्ड में सभी को हिंदी इंग्लिश ज़्यादा समझ आती है, इसलिए हूँ गुजराती बोलूँ छू, एटले हूँ गुजरात में रहूँ छू अने हूँ गुजराती छू। तो तमे पण अगर गुजरात में रहता हो तो मने फोन में गुजराती में बात करी सको छो। तो मैं हिंदी इसलिए बोलती हूँ कि सभी को पता चले। तो ये जो वानगी है वो स्पेशल गुजराती वानगी है, वानगी का नाम है मोहनथाल। तो मोहनथाल गुजराती लोग के तो मुँह में पानी आ ही गया होगा, लेकिन साथ साथ गुजरात के बाहर के जो भी लोग हैं उनको भी आज इतनी अच्छी नई रेसिपी खाने को मिलेगी। तो इसके लिए मैंने पोहे लिए हैं, भिगोए नहीं है, कच्चे ही हैं, सेके भी नहीं है, और 100 ग्राम पोहे के साथ 100 ग्राम गुड़ लिया है और उसके साथ 50 ग्राम मैंने काजू लिया है। ये तीनों को मिक्स करके मैं आज मोहनथाल बनाने जा रही हूँ, और इसके अंदर सेम मोहनथाल का टेस्ट देने के लिए मैंने इलायची 5-6 और इस ये जो जायफल है वो जायफल का टेस्ट दे रही हूँ। ये इतनी अच्छी टेस्टी वानगी है कि आप खाओगे तो मजा आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पोहे हैं वो उसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। ये इंस्टेंट रेसिपी है, आप कभी भी 5 मिनट में बना सकते हो। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं कि जो आप सभी के घर में होंगे, तो आप आज ही ये वानगी बनाइए और आपके भाई को, आपके हस्बैंड को और खुद भी, आपके बच्चे को, सभी के सभी मोहनथाल मतलब कि बर्फी ये खा सकते हो। अगर आपको श्रावण महीना का फास्ट चलता है और आप पोहे नहीं खा सकते हो तो आप काजू का पाउडर बना के भी ये बर्फी बना सकते हो, लेकिन काजू सब नहीं लाते हैं इतने सारे। तो पोहे जो है वो एक टाइम न्यू डाइट सिस्टम मेथड 1 जो है या मेथड 2 है उसमें आप खा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बाहर की मिठाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि घर पे ही ऐसा अच्छी सी हेल्दी बर्फी बना के खा लो। तो इसके लिए मैंने काजू भी लिए हैं, वो उसको भी मैं पाउडर कर लेती हूँ। अगर आपको पोहे नहीं डालने हो तो सिर्फ काजू के पाउडर से भी आप बना सकते हो, या सिंग दाने के पाउडर से भी आप बना सकते हो, या तिल के पाउडर से भी आप बना सकते हो। कोई भी कच्ची इंग्रेडिएंट्स लेके आप बर्फी बना सकते हो, लेकिन गरम नहीं करना है और बाहर से नहीं लाना है, किचन से भी नहीं लाना है और शॉप से भी नहीं लाना है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एकदम मेल्ट हो जाए ऐसा गुड़ है मेरा, तो वो गुड़ को भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ ये जो ये इलायची का पाउडर है वो इसके अंदर डाल देती हूँ, 1 स्पून इलायची का पाउडर है। तो ये जितना भी हमारा आटा है उसमें ये मिक्स हो जाएगा और एकदम सा पेस्ट हो जाएगा। मिक्स करने में 5 मिनट लगती है क्योंकि हाथ से मसल के जैसे डो बनाते हैं वैसे इसको भी मिक्स करके हमें आटा गूंद लेना है। तो हमें तो आटा गूंदने की प्रैक्टिस भी नहीं है क्योंकि अभी घर में गेहूं भी नहीं है, हम रोटी बनाते नहीं हैं, चावल लाते नहीं हैं, घर में गेहूं रखते नहीं हैं, पूरे दिन प्राकृतिक आहार लेते हैं, परमात्मा का बनाया हुआ खाते हैं और वो ही सबको घर में खिलाते हैं। हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर किसी चीज़ का त्याग करना पड़े तो हमें मंजूर है। तो ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा मोल्ड है इसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल दिए हैं ताकि ये इजीली इसके पीस पड़ सके। तो आपके पास कोई भी ट्रे हो तो इसमें पहले ग्रीसिंग कर लीजिए,
ताकि जल्दी से निकल सके। और ये जो मेरा पूरा डव था उसको मैंने पूरा अच्छी तरह से ऐसे डव बना लिया है, तो इसको मैं मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ और स्प्रेड कर देती हूँ। ये जो बर्फ़ी है वो फ्रिज में रख दोगे तो एक वीक तक आप खा सकते हो। अगर कम बनाओ, देखो ये 10 मिनट में बन जाती है, कम बनाओगे और आज के आज खा जाओगे तो भी चलेगा। तो ये जो बर्फ़ी है हमारा मोहन थाल है, वो एकदम दिखने में भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा है। तो ऐसे करके सभी को मैं शेप कर देती हूँ, ऐसे दबा के प्रेस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन 2 मिनट में दबाते ही शेप आ जाता है। गुड़ जो है वो सॉफ्ट वाला लोगे तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। तो देखो मैंने इसको पूरी डिश के अंदर शेप दे दिया है। अभी हमारे चाकू से इसके अच्छे से पीस कर लेते हैं। ये अगर आपके घर भाई आने वाला हो खाने के लिए तो ऐसी मिठाई बना सकते हो, बहन का मुंह मीठा कर सकते हो, भाई का मुंह मीठा कर सकते हो। तो इंस्टेंट बन जाने वाली इतनी अच्छी मिठाई है। हमें मीठा खाने से मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर का लाएंगे, बहुत पैसे खर्च करेंगे तो ही मुंह मीठा होगा। ऐसा अच्छा वाला ऑर्गेनिक गुड़ भी आप मंगवा सकते हो, खजूर भी मंगवा सकते हो हमसे, कोको पाउडर भी मंगवा सकते हो। आपको वहाँ से भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो होता है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो देखो इतना मस्त शेप भी हो गया है और मैं इसको बाहर निकाल के आपको पीस भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे इसके पीस भी पड़ गए हैं। 2 मिनट तक इसको अंदर रखने देना तो अच्छे से पीस हो जाएंगे। और इसको गार्निश करने के लिए मैंने बादाम ली है। आप बादाम भी ले सकते हो या फिर आपको जो पसंद हो वो कुछ भी ले सकते हो। तो देखो ये एकदम अच्छी से यहाँ पे बादाम रख देते हैं। और ये जो गार्निश के लिए मैंने बादाम ली है वो रख देती हूँ। थोड़ा प्रेस करके आप अंदर दबा दोगे तो भी चलेगा। तो हमारी बर्फ़ी जो है वो एकदम इंस्टेंट रेडी हो गई है। देखो इसके पीस है वो भी एकदम मोहन थाल जैसे हैं, टेस्ट भी बिल्कुल मोहन थाल जैसा है। घी की ज़रूरत नहीं है, गैस की ज़रूरत नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमें स्वीट खाने को मिलेगा। इससे अच्छा तो क्या रास्ता होगा कि हमें सब कुछ खाने पीने भी मिलता है और ऐसा अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी बनाने को भी हमें आ गया है। तो आपको रेसिपी के बारे में भी कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आपको हमारी कैसी रेसिपी लगी उसके बारे में हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। आपकी बहन के लिए क्या बनाया, आपने भाई के लिए क्या बनाया वो भी हमें बताना। आपकी वानगियाँ आपके भाई को कैसी लगी वो भी हमें बताना। आप छोटे हो तो भी ये बना सकते हो क्योंकि गैस नहीं चालू करना है। तो हमेशा ऐसा अच्छा अच्छा खाइए, न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कीजिए, हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। और कुछ भी जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। तो मैं आपको चक्के दिखा देती हूँ कि ये हमारी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। तो देखो ये बिल्कुल बाहर के जैसा मोहन थाल जैसा बन गया है। इतना सारा गैस गरम करके हिलाने की और गर्मी में पसीने में इतने सारे बर्तन, ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके सामने ये बर्फ़ी टेस्ट करती हूँ। एकदम यम्मी, एकदम टेस्टी है। आप भी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। हमें कुछ भी पूछना हो तो फ़ोन कीजिए।
मेरा फोन नंबर है 9824317955 और मेरा कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।